बड़ी याचना करता है प्रभु हे दयालु हे कृपालु हे देव उन्हें एक बार यहां से निकाल दे नरक से। पर एक नरक है और मां के गर्भ में बच्चा कैसे होता है? पैर ऊपर सीधे चिकारा ना होती है। कैसी याचना करता है? इस मानुष योनि में आके जिस आत्मा कल्याण नहीं करेगा वो जीव कहने का अधिकारी नहीं है, पशु समानी है। प्रभु की कहते ने रह सकता संसार में बिना नहीं कोई करता में भी कर्म हो देख सका तू कोई। सका कौन है? कृष्ण भगवान के सका अर्जुन है। मैं तीन लोगों का स्वामी होके अहंकार नहीं कर रहा। माताओं शांत हो जाओ। मैं तीन लोगों का स्वामी होके अहंकार नहीं कर रहा। दोनों को जगा रहा हूं शाम तक लंबे पहले। सबसे पहले उठता हूं। हमने तो एक बच्चे की चिंता है, उन्हें लाख स्वास्थ्यों की चिंता है। समझो जी समझो। मानी सोनी कर्मयोनी है, इस कर्मयोनी में आके आत्मा कल्याण कर लो, नहीं तो फिर लाख स्वास्थ्यों में पहुंच जाओ। सौतेली माता होती है, इसने अपनी कोख का ही बच्चा प्यारा है दूसरा। उस सुरीचि ने जो संसार में रुचि थी बच्चे की बात पकड़ गए। अगर पिता की गोद में बैठना है तपस्या कर गया। राम भी तो गया था कई कई ने पीछे से। कहते हैं जे पिता कोड़ा बोल रहे है पुत्र को चोरी कर। पिताजी कोड़े बोल नहीं, ये तो फूल दे रहे हो, मेरे को ज्ञान दे रहे हो। आज हम जे सास कोड़ी बोल रही है चाहे तोड़ी चाहे नहीं, वो शंकर भगवान की ना, इसका ये शब्द नहीं है। सास है शिक्षा देने के लिए, कहीं मारा भी शिक्षा देगी मारी शिक्षा दे सा। तो कहते माँ, माँ का नाम था सुनीति। कहते बेटा बहुत अच्छा लगता है, जा तपस्या करने के लिए। जो प्रहलाद ने भक्ति करी, 5 साल में गुरु ने भक्ति करी, भारत देश हमारा देश, सब देशों से न्यारा देश, गुरु प्रहलाद भगत का देश। जो बच्चा 5 साल में माँ ने छोड़ के, पिता ने छोड़ के, अपनी नगरी को छोड़ के जा रहा है भक्ति करने, छोटा सा बाल वही हमको शिक्षा दे रहे हैं। भारत हमारा वही से पड़े ना, भरत भाई हो तो भरत जैसा हो। हमारा नाम कितना सुंदर है भारत देश का, ये सोने का देश है, समतल देश है, छह ऋतु इसके अंदर है। किसी देश में 6 ऋतु नहीं है जो हमारे भारत में है। दो महीने पति का कारण नहीं मानना, इसीलिए गंगा के ताप नहीं उतरे। फिर भगवान ने त्याग की, फिर 1000 वर्ष तपस्या करी, फिर बोला कहते महाराज शिष्य माला फेर दो। शिव जी ने कहते शिष्य माला फेर दो, कहना आपसे घर के स्थान में है कोई? कहा मेरा इष्ट राम है, अपने राम की माला फेरता हूँ। और गोरा सीता का रूप बना के चली जाती है परीक्षा लेने के लिए। सीता का रूप बना के उधर राम कहते हैं सीता का रूप है, राम भी है तिलों की नाते। कहने हे गोरा माता कहाँ गए फिर रहे हैं? ऋषि भगवान कहाँ है? गोरा ने जवाब नहीं आया, मैं क्या करूँ, अपमान हो गया। ये ज्ञान का दर्पण है, देवता में ज्ञान का दर्पण होता है, हमारे का दर्पण नहीं, शिक्षा का दर्पण। और अज इस गोयल परिवार के नाल इस श्रद्धांजलि समारोह के शामिल इस परिवार के नाल संबंधित रिश्तेदार सारे संबंधी दोस्त, अज आप सारे ही सामूहिक तौर पर माता दर्शना देवी जी जिन्ना परमात्मा ने ठहराए
ਜਿੰਨਾ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਡੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਮਰ ਅਜਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੇਡ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰਜੀਤ ਰਾਮ ਪੱਪੀ ਜੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, SS ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚਾਚਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ, ਆਸ਼ਰ ਮੰਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚ ਭਗਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਸੋਗ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ
बड़ी याचना करता है ये प्रभु हे कृपालु हे देव मने एक बार वश में कर दे नरक से। बड़ा एक नरक है और मां के गर्भ में बच्चा कैसे होता है, पैर ऊपर सीने चिकारा कर होती है। कैसी याचना करता है, इस मानुष योनि में आके जिस आत्मा कल्याण नहीं करेगा वो जीव कहने का भी कार्य नहीं है, पशु समान है। प्रभु की कहते ने रह सकता संसार में काम बिना नहीं कोई, करता में भी कर्म हो देख सका तू कोई। सका कौन है, कृष्ण भगवान के सका अर्जुन है। मैं तीन लोगों का स्वामी होके अहंकार नहीं कर रहा, माताओं शांत हो जाओ। मैं तीन लोगों का स्वामी होके अहंकार नहीं कर रहा, दोनों को जगा रहा हूं शाम तक लंबे पहले। सबसे पहले उठता हूं, हमने तो एक बच्चे की चिंता है, उन्हें लाख स्वास्थ्यों की चिंता है। समझो जी, समझो मानिस योनि कर्म योनि है, इस कर्म योनि में आके साधना कल्याण कर लो, नहीं तो फिर राज वसुचक में पहुंच जाओगे। देखते हुए देख नहीं रहे, सुनते हुए सुन नहीं रहे। कीड़ा मकोड़ा है, वृक्ष की तरह वृक्ष है, हजारों कोष हजारों साल तपस्या कर रहा है, तूफान आ रहा है, सर्दी आ रही है, गणपत जड़ हो रहा है, इंसान कितना संसारों में सुनता। कहते हैं सुंदर अपने आयु लेके आता है, जैसे मां दशना है संतों जैसा चोला छोड़ा, संतों जैसा कई साल से जरा मेरे साथ भाव है, जाता रहता हूं। बड़ी मीठी आवाज से बोलते थी, ऊंचा नहीं बोलते, नीमा बोलते थी, बड़ा मीठा बोलते थे। कहते हैं मां, मां क्या है, युक्ति गुरु है, मां है युक्ति गुरु और पिता है भक्ति गुरु। माता बच्चे को समय समय पर कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी, बेटा जो कहते हैं युक्ति गुरु, जो समय समय पर बता रही है। पिता है भक्ति गुरु, जब बेटा जवान हो गया प्राप्त की जुटी आ जाती है, पिता को चिंता हो जाती है भक्ति। मैंने कहने कमाना बहुत सौखा है, लक्ष्मी को सामना बहुत ओखा है। जैसे पृथ्वी माता कहती है बेटा मैं एक होके मेरा रंग अनेक है, जैसा जीव ऐसे बन जाती है। पानी एक होके, पानी एक है रंग अनेक हो जाते हैं। एक तो वर्षा करता है, मंद मंद वर्षा, मंद मंद सुमंद सुमंद हवा चलती है तो फसल के रंग चढ़ जाता है, फसल के रंग चढ़ जाता है, चौदह रत्न पैदा हो जाते हैं। एक ओला बरसता है तो वही पानी है। माता को कहूंगा बेटे मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, वही पानी है फसल को नष्ट कर देता है और सारा पशु पक्षी को खा लेता है। और वही है मनुष्य है, एक प्रभु का प्रभु एक है, दादा एक ही है, एक को उसने लाभ राशि की होने की चिंता है। ये जाने कुटुंब समाए, मेरे को खाना मेरे साथ में भूखा जाए। कहते हैं भी लगा अतिथि क्या, भगवान सायंकाल को आता है, कोई ना को आश्रम के लिए कोई साथ मिल जाए। पशु भी बाल जैसा होता है, ये नहीं कहता मैं भूख लगा जाता है, तीन बार उसको घास दिया जाता है, तीन टाइम चारा दिया, बाद में आम खाएगा, इसका इंसान का फल है।
ये छुपाने चाहिए, नहीं तो कहते हैं भोजन उठा के करता हूं मैं वंदना रे तुझे देव परमात्मा मन मस्तक के बिना भक्ति के साथ तुझको तुझको शक्ति सदा तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के प्रभु। जैसे उत्तानपाद की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति, क्या नाम था अच्छी जीने वाली, भगवान से प्यार करने वाली, पति से प्यार करने वाली। सुनीति का जो स्नान में रुचि हो, सौतेली माता होती है, इसने अपनी कोख का ही बच्चा प्यारा है दूसरा। वो सुनीति ने जो संसार में रुचि थी, बच्चे की बात पकड़ गए, अगर पिता की गोद में बैठना है तपस्या कर गया। राम भी तो गया था कहीं के जैसे कहते हैं, जे पिता कोड़ा बोल रहे हैं पुत्र को छोड़ कर, पिताजी कोड़े बोल नहीं, ये तो फूल दे रहे हो, मेरे को ज्ञान दे रहे हो। आज हम जे सास कोड़ी बोल रही है, चाहे तोले चाहे नहीं, वो शंकर भगवान की ना, इसका ये शब्द नहीं है। सास है शिक्षा देने के लिए, कहीं मारा भी शिक्षा देगी, मारी शिक्षा दे सा। तो कहते हैं माँ, माँ का नाम था सुनीति, कहते बेटा बहुत अच्छा पिता है, जा तपस्या करने के लिए। जो प्रहलाद ने भक्ति करी, पांच साल में गुरु ने भक्ति करी, भारत देश हमारा देश, सब देशों से न्यारा देश, गुरु प्रहलाद भगत का देश। जो बच्चा पांच साल में माँ ने छोड़ के, पिता ने छोड़ के, अपनी नगरी को छोड़ के जा रहा है भक्ति करने, छोटा सा बाल वही हमको शिक्षा दे रहे हैं। भारत भारत हमारा वहीं से पड़े ना, भरत भाई हो तो भरत जैसा हो, हमारा नाम कितना सुंदर है भारत देश का, ये सोने का देश है, समतल देश है, छह ऋतु इसके अंदर है, किसी देश में छह ऋतु नहीं है जो हमारे भारत में है, दो महीने में बदल गई, सुंदर ऋतु किसी देश में नहीं है। इस देश में कौन जन्म लेता है, कौरव पांडु भी चोरा छोटा का तिलक लगा, हे माँ आपके यहाँ हूँ, तेरी गोद में आओ। जितने भारत के संत ने चोरा छोड़ते मिट्टी का तिलक लगाते, हे माँ आपके यहाँ हूँ, तेरी गोद में आओ। एक भारत जिन्हें कौन आता है, अच्छे के ब्राह्मण विद्वान संत यहाँ है किसी देश में, जो तीर्थ यहाँ है किसी देश में तीर्थ नहीं है। अरे ऐसे देश में आके फिर इस मानुष को लिखो नहीं, संभाल के रखो, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा ने प्रभु के साथ मिलाओ। माता सती भी है और माता दो दूसरी है, माता ये लोग क्यों है, पुष्टि होती है एक पुष्टि, एक मती इसकी की दो मती होती है। कहते हैं हजार साल तपस्या करके कथा सुनने की है, हजार साल तपस्या करके गोरा बीत गई थी, अपने प्रभु को करना नहीं मानना, और गंगा कलियों के तापों से तप रही है कि गोरा माता में ऐसी शक्ति है, गंगा सीता देवी के ताप उतर जाएंगे, आगे कैलाश पर्वत में आगे गंगा मैया कैलाश पर्वत से कहा आई है भगवान शिव के पास। गोरा से कहती है, गोरा माता मेरे को जनता चिंता जगह में कलियों के पापों से तप रही हैं, मेरा मन शांत हो जाएगा। गोरा ने चिंता दिया, पति का कारण नहीं मानना, इसीलिए गंगा के ताप में उतरे। फिर भगवान ने त्याग की, फिर हजार वर्ष
तपस्या करी। फिर गोरा कहती है महाराज किसकी माला फेंक दो, शिव जी ने कह दिया किसकी माला फेंक दो, कहना आपसे बढ़कर संसार में है कोई? कहा मेरा इष्ट राम है, अपने राम की माला फेंकता हूं। और गोरा सीता का रूप बना के चली जाती है परीक्षा लेने के लिए। सीता का रूप बना के उधर राम कहते हैं सीता का रूप है राम भी है पितरों के नाते, कहते हे गोरा माता कहाँ के लिए फिर रहे ऋषि भगवान कहाँ है? गोरा ने जवाब नहीं आया, मैं क्या करूँ अपमान हो गया। ये ज्ञान का दर्पण है, देवता में ज्ञान का दर्पण होता है, हमारे का दर्पण नहीं संसार का दर्पण। भगवान ने शिव ने दो बार क्या की, किसी बार गोरा ने हजार वर्ष 3000 वर्ष तपस्या करी किसने? विराजमान खंड जी और अज इस गोयल परिवार के नाल इस श्रद्धांजलि समूह के शामिल इस परिवार के नाल संबंधित रिश्तेदार सभी संबंधी दोस्त अज आप सारे ही सामूहिक तौर पर माता दर्शना देवी जी उन्हां दे अंतिम भोग रसम ते जिथे उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेट करन वास्ते इकट्ठे होए आ उत्थे इस गोविंद परिवार सांत्वना देण वास्ते जिथे इकट्ठे होए आ कि इह परम पिता परमात्मा दी निधि है, इस नूं कोई बदल नहीं सकदा। तकरीबन 88 साल की उम्र हो के माता दर्शना देवी जी अपने परिवार समाज संसार पिता कहते गए हैं, जिथे वो साढ़े बहुत ही सरकार स्वर्गीय लाला रणवीर चंद उन्होंने धर्म पत्नी उत्थे ही साढ़े बहुत ही सरकार योग शहर के नाम डॉक्टर परिवार डॉक्टर सुरिंदर गोयल जी और भरा वरिंदरपाल सिंह वरिंदरपाल गोयल जी उन्होंने माता जी जिंदगी के बहुत से फलसफे बारे विस्तार पूर्वक दसिया। मैं समझता कि वो परिवार बड़े भागा वाले होंगे ने जिन्हों अपने माता पिता का एडी लंबी माता की जड़ी सेवा है उसके हुक्म तो बिना सांस घट नहीं सकता बद नहीं सकता। माता या पिता की जड़ी सेवा है बच्चों वालों उसू असी इस परिवार वाले जिन्ना भी कल प्राम की ड्यूरी च बैठी गुरु उत्साह संगत जी जय श्री राम। अज आप माता जी दर्शना जी अंत बरदास के बीच कट्ठे हुए। जे माता जी बारे गल करिए माता जी के परिवार बारे गल करिए मैं समझा कि परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर बहुत बड़ी कृपा अज इस परिवार का नाम समाणे जी नहीं सारे पंजाब के कि बाहर भी जाकर गल करिए इन्हों निमरता थी इन्हों का दान करनी सेवा करनी भावना हर बंदा तारीफ करता है। गोयल परिवार को जे डॉक्टर परिवार कह लिए सारा परिवार डॉक्टर का परिवार है। कई बार कोई छोटा जॉब का मिल जाए छोटी तरक्की कर जाए चार पैसे आ जाए मैं आ जाती है ईगो आ जाती है कि मैं पता नहीं कि बन गया। पर इस परिवार की गल कर लिए जिन्ना जिन्ना परमात्मा ने ठहरे राए ने जिन्ना ऊंचाइयों में गया उन्ना यह परिवार जिन्ना हो गल होती जो परमात्मा की मेहर हो। मैं समझना कि एड्डी बड़ी तरक्की करना इन्नी उन्नति करना यह सारी देन माता जी की देन है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਮਿੱਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸਕਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਖਗੁਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀਓ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪਕ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਮਰ ਅਜਾਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੌਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰਜੀਤ ਰਾਮ ਪੱਪੀ ਜੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, SS ਬੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚਾਚਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ, ਆਸ਼ਰ ਮੰਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਚੱਕਲਾ ਚੌਕ ਸਮਾਣਾ, ਇੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਮਾਣਾ, ਪੰਚਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਮਾਈਸਰ ਮੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਸਤੀ ਸਮਾਣਾ, ਅਨਾਥ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਣਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਣਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਣਾ, ਕੁੱਟੀ ਮੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਣਾ, ਸਤੀ ਮੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਮਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਰੀ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੋਗ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।
मैं अपने वालों नगर पालिका समाणा के समूह मेरे साथी कौंसलरों वालों विछड़ी आत्मा श्रद्धा के फुल भेट करदा उस मालक अगे अरदास करदा उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्श पिछों परिवार भाणा मानता अज की सोग सभा सारे शहर वासी भीर सारे ही डॉक्टर साहबान का सारी ही कंपाउंड एसोसीएशन का मैडिकल एसोसीएशन का तुसी दुख नूं बनाउण वास्ते आया तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद अंत दे विच तुहाडे चरणां च बेनती कि चादर प्रसाद लगे जरूर लेके जाणा ओम शांति ओम परीक्षण प्रणाम विश्वनाथ
लक्ष्मी कांतम कमलाय विधानम वंदे सुसुरवते कांतम।